आसान थी दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं कंपैटिबिलिटी लिब्रा के हवाले से कि लिब्रा की क्या कंपैटिबिलिटी की बाकी 11 बुरुज के साथ। हमारा जो लिब्रा है ये एक उलझा हुआ मगर बाशूर पुरुष है। कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, अपनी जिंदगी को उलझाते रखते हैं, दूसरों की जिंदगी को भी उलझा के रखते हैं। लेकिन अगर ये लिब्राज ना होते तो हमारी जिंदगी में कुछ भी ना होता, ना ब्यूटी होती, ना हमारी जिंदगी में मोहब्बत होती, ना रोमांस होता, कुछ भी ना होता। तो बड़ी बोर सी जिंदगी गुजरती है हमारी अगर लिब्राज ना होते। तो इनके अंदर कुछ भी मनवा लेने की सलाहियत होती, बड़े आराम से, बहुत प्यार से। ये है हमारे लिब्रा दोस्त कि आप इनके साथ बैठ जाएं फिर इनकी आप बातें मानते चले जाते हैं। अजीब सा मैजिक होता है इनके अंदर, बहुत अजीब से मैग्नेटिक किस्म के लोग होते हैं। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे कि ये बाकी लोगों के साथ किस तरह मिलकर चलते हैं। बाकी जो 11 बरूज हैं लिब्रा के अलावा, सब हर बुर्ज जो होता है वो एक डेफिनेट और सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटी होती है, और लिब्रा के साथ कैसे सेट होते हैं इसको अपने देखने। सबसे पहले जो हमारा सबसे पहला बुर्ज है हुमल एरीज, ये अगर आप देखें ना हम लिब्रा को, तो लिब्रा बेसिकली डिप्लोमेट होते हैं और जोड़ तोड़ के माहर होते हैं, सियासतदान होते हैं, और इनको होता है कि सबको साथ लेके चलना है। बकरी भी, शेर और बकरी इकट्ठे लेके ही किश्ती पे सवार होकर चलना है। हो सकता है किसी टाइम दोनों में दोस्ती होता है, ये इस तरह के डिप्लोमेट्स होते हैं। तो लेकिन हमारे जो एरीज हैं किससे फसल आ रहा है, इनका ख्याल है कि हर मसले का हल तलवार है। ये तो सिफारतकारी कर ही नहीं सकते, सियासत मुनाफ़त कर ही नहीं सकते, इनको तो सिर्फ जंग लड़ना आती है। तो दोनों बरूज का जो मसले की जानब एक स्ट्रेटजी होती है, हिकमत अमली होती है, वो इंतहाई मुख्तलिफ होती है। बहुत अपोजिट मतजाद सोच रखते हैं दोनों एक दूसरे के, और इनकी अप्रोच और जो इनकी सोच है और इनकी जो अप्रोच है वो इस रिश्ते में तलातम रखती है। तो एक दूसरे से प्यार भी बहुत करते हैं, एक दूसरे की तरफ फौरन अट्रैक्ट होते हैं, एक दूसरे के बगैर इनको लगता है हमारा वजूद नामुकम्मल है। लेकिन जब साथ होते हैं तो टकरा जाते हैं। स्ट्रेंथ्स हैं इनका कंपैटिबिलिटी है, लेकिन है ये डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन। तब आते हैं लिब्रा और टॉरस की तरफ। ये साथ में ये दोनों की पर्सनालिटी बहुत फर्क है, लिब्रा की भी और टॉरस की भी, लेकिन इनके जो साथ है ना उसमें बहुत मोहब्बत। इनके जब ये दोनों साथ होते हैं मुरव्वत, दिलजोई, शफकत, इनके अंदर बहुत कुछ कॉम्बिनेशन इसमें मिलता है। और इन दोनों में कुछ भी मतलब होता है ना कि दोनों में कुछ भी शदीद मुखालिफ नहीं होता, कभी भी इनका शदीद झगड़ा नहीं होता, शदीद इख्तलाफ नहीं होता। ये एक दूसरे के लिए स्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं, हालात में इस्तेहकाम पैदा करते हैं, और इनके दरमियान कुछ भी तूफानी और हिजानी नहीं होता। बड़े आराम से दोनों जो हैं वो एक दूसरे से साथ चलते हैं। कुछ है जो इन दोनों के दरमियान है जो इनको कनेक्ट करता है, वो वीनस है। वीनस दोनों का रूलर भी है। जब टॉरस होता है तो टॉरस में इसका बचपन है और लिब्रा में भरपूर जवानी है वीनस की। तो इसीलिए लिब्रा जो है वो सातवां घर भी है और वीनस भी है। सो वो सारी बातें हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आज जो ये दोनों हैं, ये दोनों बस एक आप समझ लीजिए एक सिक्के के दो रुख होते हैं, एक जैसे होते हैं और बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ चलने की सलाहियत रखते हैं अगर चाहें तो। लिब्रा और जॉर्ज, अगर लिब्रा और जेमिनाई ये दोनों मिल जाए ना, ये इकट्ठे हों, तो इनको लगता है कि दुनिया में, और उनको सुनने वालों को भी लगता है कि दुनिया में हर चीज़ पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है, कोई प्लान भी बनाया जा सकता है, किसी भी सितारे पर लैंड किया जा सकता है। ये बहुत ज़्यादा हर चीज़ को काबिल अमल बना देते हैं और काबिल मोहब्बत बना देते हैं। इन दोनों में एक बड़ी एक स्मूथ सा एक रिलेशनशिप है, और ना एक दूसरे से नेकोफ्त होती है। ये घंटों के हिसाब से, पहरों के हिसाब से बैठ के एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, और इनके नज़दीक जज्बात की शिद्दत से ज़्यादा बहुत ज़रूरी है तबादला ख्याल। तो घूमना फिरना, गप लगाना, लाइफ को इंजॉय करना ख़त्म है इस पैर के ऊपर। ये दोनों लाइफ को मिलकर बेहद इंजॉय करते हैं, बिकॉज इनका टूवर्ड्स लाइफ एक ही तरह का रवैया है। अच्छा, अब आते हैं लिब्रा और कैंसर की तरफ। ये जो हमारे लिब्रा दोस्त हैं ना, इनकी बुनियाद होती है अमन, पीस, इनको पीस चाहिए। और जो हमारे कैंसर दोस्त हैं, इनको इस्तेहकाम चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। और दोनों देखने में दोनों एकदम साथ मिल जाते हैं, लेकिन इनके जो
लेकिन इनका साथ चलना बहुत मुश्किल है। ये इन दोनों का एक दूसरे के साथ कुछ देर बाद दम घुटने लग जाता है, खास तौर पे लिब्रा का जो है ना, उसे क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होने लग जाता है कैंसर के साथ, क्योंकि कैंसर के अपने कवानीन हैं, बंदिशें हैं। उसने वो अपने साथी को या अपने जो उसके होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा आज़ादी नहीं दे सकते इंडिविजुअलिटी की या पर्सनल स्पेस के, वो थोड़ा सा अगेंस्ट होता है कैंसर। लेकिन जो लिब्रा है वो पर्सनल स्पेस के बगैर रह नहीं सकता, उसे झुंझलाहट शुरू हो जाती है, उसका दम घुटने लग जाता है, तो बाज़ उसको बोझल महसूस होने लग जाता है सरतान। उसको लगता है कि बस मुझे इस रिश्ते से निकलना है, जबकि सरतान को मीज़ान में वजन की कमी लगती है। सुनते हैं कि इंसान इतना हल्का कैसे हो सकता है, उसको बहुत उलझन होती है इस बात से। तो इस रिश्ते में इम्कानी कुवत है, दोनों मिल सकते हैं, चल सकते हैं, लेकिन अगर चाहें तो, अगर कोई कवानीन बना लें। वैसे दोनों एक दूसरे के काफ़ी ऑपोजिट है। अब आ जाते हैं लिब्रा और लियो की तरफ। ये अच्छा साथ रहता है जब तक लिब्रा की बर्दाश्त जवाब नहीं दे जाती, तब तक ये साथ अच्छा रहता है। जो असद अफराद है अक्सर मीज़ान अफराद का इम्तहान और आजमाइश साबित होते हैं। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन बर्दाश्त नहीं एक दूसरे को कर सकते। इनके लिए दूसरे के साथ बहुत दूर तक जाना बेहद मुश्किल, मुझे समटाइम्स नामुमकिन लगता है, इतना डिफरेंस है दोनों में। अब आ जाते हैं लिब्रा और वर्गो की तरफ। ये ज़हीन साथ है, ये मेंटल कंपैटिबिलिटी, ये दोनों मिलकर दुनिया में इतनी खूबसूरती क्रिएट कर लेते हैं कि फिर वहाँ बदसूरती की कोई जगह नहीं बचती है। इतना सब कुछ इमैक्युलेट, क्लीन, ब्यूटीफुल कर लेते हैं कि बचपना, मासूमियत, शरारतें, बोंगियाँ, थोड़ी सी गलतियाँ, थोड़ा सा वो सब कुछ जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। और दोनों मिलके, इन दोनों में एक चीज़ जब इकट्ठे होते हैं तो खुद परस्ती और खुद जो नुमाइशी है वो एलिमेंट इसमें डेवलप हो जाता है। ये लोग साबित करना शुरू हो जाते हैं कि आई एम बेटर देन यू। ये एक चीज़ दोनों में इस रिश्ते में बहुत सारी लाशोरी तौर पे ये हिस्सा आ जाती है कि एक दूसरे को अपने से बेहतर साबित करने की कोशिश करते हैं। और दोनों में मैं बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस रिश्ते में लिब्रा और वर्गो जब इकट्ठे होते हैं तो फिर मैं शुरू हो जाती है। तो ये एक दिलचस्प है साथ, अगर ये दोनों थोड़ा सा इस पे वर्क करें, इसमें थोड़ी सी गुंजाइश दें एक दूसरे को। और ये इस तरह से बिहेव करते हैं जैसे दो दिल जले बूढ़े नहीं होते, हालांकि दोनों ऐसे नहीं हैं, लेकिन जब ये साथ होते हैं तो दिल जले बूढ़ों की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा इन्हें इस वर्क करना चाहिए तो ये रिश्ता बहुत अच्छा हो सकता है। दोनों में शदीद मुखालफत नहीं है, लेकिन सिर्फ एक दूसरे के साथ जो इनका कनेक्शन है ना वो प्रॉपर अगर हो जाए तो फिर ये रिश्ता चल सकता है। लिब्रा और लिब्रा ये मुश्किल साथ है, क्योंकि मीज़ान की जो पर्सनैलिटी है उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है। ये उलझा हुआ है, बाशऊर है, मुमताज़ है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आप इसे जलेबी कह सकते हैं, इसमें बहुत सारे बल होते हैं, इसमें बहुत सारे इसकी शैडो सेल्फ होती है, इसकी एक अपनी साइकी है। तो इन इसलिए इसमें अगर लिब्रा किसी के साथ भी हो तो अच्छा ताल्लुक होता है, लेकिन जब ये दोनों साथ होते हैं तो इनमें उलझन और परेशानी पैदा होने लग जाती है आपस में एक दूसरे के साथ। और हर वक्त लगता है अभी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, अभी कोई झगड़ा हो जाएगा, अभी लड़ाई हो जाएगी, अभी कुछ हो जाएगा। तो ये एक दूसरे को सही तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, इनको अपनी ये जो पैदा करदा सिचुएशंस होती हैं उन्हें खुद नहीं संभाल पाते, लिहाजा ये रिश्ता बहुत ज़्यादा अब कॉम्प्लिकेटेड समझ लें। ये खुद चाहें तो सुलझा सकते हैं और दो लिब्रा इकट्ठे बहुत दूर तक बड़ी मुश्किल है कि चल सकें। फिर लिब्रा और स्कॉर्पियो। लिब्रा और स्कॉर्पियो एक बहुत मुश्किल साथ है इनके। इन दोनों की ज़िंदगी में लिब्रा भी और स्कॉर्पियो भी, इनके ना बहुत सारी चीज़ें इनके ज़ाती राज होते हैं, इनके अंडर करंट्स होते हैं, इनकी पर्सनल चॉइसेस होती हैं, इनकी एक प्रॉपर अंदर की ज़िंदगी होती है जो ये किसी के साथ शेयर नहीं करते। तो ऐसे गोशे होते हैं बहुत सारे जो ये शेयर करना नहीं चाहते किसी के साथ। लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तो स्कॉर्पियो है ही जासूस भी, उसको जानना है, उसकी ये मजबूरी है कि उसने सबको जानना है, और ख़ासतौर पे अपने साथी के बारे में तो उसे हर भेद पता होना चाहिए।
तो ये जो रवैया है, जो शिद्दत है अकरब की, जो अकरब की जासूसी है, मुखबरी है और पोजेसिवनेस है, डोमिनेशन है, ये इसे घबरा जाता है लिब्रा, ये लिब्रा जो है ये उससे खौफजदा हो जाता है और बेजार हो जाता है। जो उसका हैवी पन है स्कॉर्पियो का, पर्सनालिटी ये वाली साइड जो है वो इसको बेजार कर देती है। और अक्सर ऐसा होता है कि स्कॉर्पियो मीज़ान के साथ ऐसा रवैया रखते हैं जिसे अक्खड़ सा नहीं होता, अक्खड़ सा इनका रवैया होता है, क्योंकि ये मीज़ान इनको बहुत ही हल्का लगता है। इनको लगता है कि इंसान इतना, उसको लगता है कि ये हल्का और बेसुरा है, उसे ये रिदम के बगैर लगता है, उसको लगता है कि इसके अंदर कोई रिदम ही नहीं है। और जो लिब्रा है उसका दिल चाहता है कि वो उस रिश्ते से निकल कर भाग जाए, लिहाजा अगर ये अपना आइन बना लें चाहें तो साथ चल सकते, बहुत मुश्किल से। लिब्रा और सेगिटेरियस ये अच्छा साथ है, ये दोनों अपने अपने अंदाज में एक दूसरे के साथ बिल्कुल मुत्तफिक होते हैं। और जो कॉस है उसको लिब्रा अच्छा लगता है, सेगिटेरियस गुस्सा मौ, लिब्रा की दाएँ लिब्रा की बातें अच्छी लगती हैं, और उसका दिल चाहता है कि मीज़ान के साथ लिब्रा के साथ ज़्यादा वक्त गुजारे, दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल महसूस करते हैं। और अक्सर ऐसे होता है कि जैसे कि टेरियस लोग हैं ना, वो दूसरों से इरीटेट हो जाते हैं, थोड़ी देर बाद कॉस को इरीटेशन फील होने लग जाती है, उसे होता है कि अब मैं उठ कर कहीं और चला जाऊँ, इसे कि टेरियस की आदत है। लेकिन लिब्रा की कंपनी में वो इंजॉय करता है, लिब्रा से नहीं इरीटेट होता कॉस, इसलिए ये अच्छा साथ है। लिब्रा और कैप्रिकॉर्न वैसे तो ये अच्छा साथ है, लेकिन दोनों अपने अपने लेवल में इसमें ना थोड़ी सी तिशनगी, थोड़ा सी कमी महसूस करते हैं। दोनों लाशरी तौर पर अपने रिश्ते में हिफ्ज़े एक होता है, हिफ्ज़े मराते उसका ख्याल रखते, खुल के नहीं आते। कैप्रिकॉर्न को भी ज़रूरत होती है कि दूसरा ज़्यादा खुल कर आए, और लिब्रा भी, तो इनमें थोड़ी इस रिश्ते में तिशनगी रह जाती है, इनको चाहिए कि खुल के बोलें, खुल के बात करें, ऊंच नीच का ख्याल ना करें, रिश्ते में बराबरी पर आ जाएं और बेतहाशा हंसें, रोएं, जो चाहें करें, लेकिन खुद को रोके मत। ये दोनों एक दूसरे के साथ खुद को रोकने लग जाते हैं, और जो लिब्रा है जद्दी की शख्सियत के आगे दब जाता है एक्चुअली। और इसमें चूंकि लिब्रा में नरगिसियत होती है, तो उसको होता है कहीं मैं कमी ना हो, मैं इसकी बराबरी, मतलब होता है ना थोड़ा सा लाशूरी तौर पर ये प्रॉब्लम हो रहे होते हैं, उसे लगता है ये मुझे ओवर पावर कर जाएगा, तो इसलिए वो थोड़ा सा रुक जाता है रिश्ते में। और जो जो ये कैप्रिकॉर्न है उसे लगता है कहीं कोई कमी है, कसर है, कमी है, इस मामले को अगर दोनों हैंडल कर लें और बराबरी पर आ जाए और एक दूसरे के साथ रिश्ता बनाने में डिटर्मिंड हो, तो फिर सही बना लेते हैं। उसके बाद आ जाता है लिब्रा एंड अक्वेरियस, ये एक बेहतरीन साथ है, इन दोनों को लगता है कि दूसरे के लिए बने। ये मुझे लगता है कि लिब्रा की जिंदगी में अक्वेरियस और अक्वेरियस की जिंदगी में लिब्रा एक मस्त रेसिपी है, इनकी दोस्ती या साथ दुनिया के लिए जरबुल मिसल बन जाता है। लोग मिसालें देते हैं इस दोस्ती की कि कैसे दो लोग इनफरादी शख्सियत कायम रखते हुए बेहतरीन अंदाज में साथ चलते हैं। ये ख़त्म है इस रिश्ते पर कि लोग मिसालें देते हैं कि ये एक दूसरे के ऊपर फख्र भी करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं, एक दूसरे के साथ अपना रिश्ता भी मजबूत रखते हैं, कामयाबियों पर भी खुश होते हैं, बिल्कुल जेलस नहीं होते और इकट्ठे चलते हैं, बेहतरीन टीम बन जाते हैं। और अगर दोनों पॉजिटिव हों और चाहें तो बहुत आला मंजिलें तय कर सकते हैं। फाइनली लिब्रा और पाइसेस, इस साथ में मोहब्बत और दोस्ती होती है, दोनों एक दूसरे को अच्छे तरीके से समझने लगते हैं, और बस दफ़ा ऐसा भी होता है कि बिना कहे एक दूसरे की बात समझ जाते हैं। ये रिश्ता कुछ इस किस्म का है, लिब्रा और पाइसेस का रिश्ता ऐसा है कि बिना कहे सारी बातें हो जाती हैं। और जो लिब्रा है ये पाइसेस को आइडियलाइज करने लगता है, दोनों एक दूसरे को आइडियलाइज करते हैं, और लिब्रा का दिल चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में कोई पाइसेस या पाइसेस टाइप कोई लवर हो, बंदा हो, मोहब्बत हो, पाइसेस टाइप लव इनको चाहिए होता है। और दोनों एक दूसरे का ड्रीम पार्टनर है, ड्रीम लवर्स हैं एक दूसरे के, दोनों एक दूसरे को पॉजिटिवली स्ट्रॉन्ग करते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसे होता है कि पाइसेस मीज़ान से डिसअपॉइंट हो जाता है, दिल गिरफ्तार हो जाता है। जैसे पाइसेस की उम्मीदें
उन पर लिब्रा पूरा नहीं उतरता। पाइसिस somehow लिब्रा से डिसअपॉइंट होता है, क्योंकि लिब्रा का जो एक थोड़ा सा हल्कापन या उसको फील होता है कि इसके अंदर जो डेप्थ है जो एक इंसान में, क्योंकि पाइसिस में तो बहुत ज्यादा डेप्थ है ना, वो तो पानी है, ओशन है, ये हवा है, तो हवा और पानी वाला जो वो एक है ना, दोनों में एलिमेंट है, वो आता है तो फिर थोड़ा डिसअपॉइंट होते हैं। अभी बहुत सारी बातें बाकी हैं लिब्रा के हवाले से, इंशाल्लाह ताला दोबारा अगले वीडियो में आपसे बात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।